उत्तर प्रदेश के बहराइच में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। दुर्गा प्रतिमा जुलूस के दौरान मंसूर गांव के महराजगंज इलाके में सांप्रदायिक झड़प में 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद बहराइच में सोमवार को तनाव रहा। फिलहाल शहर में भारी पुलिस बल तैनात है और हुड़दंग में शामिल लोगों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर भारी पुलिस बल के और तनाव के बीच किया गया था। जिले में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और युवक का परिवार न्याय की लगातार गुहार लगा रहा है। हिंसा के दौरान मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मां मुन्नी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मेरा बेटा मर गया है, हमें न्याय चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों से मंगलवार यानी कि आज दोपहर को लखनऊ में मुलाकात करने वाले हैं। बहराइच में फिलहाल की स्थिति पर बात करें तो बताया जा रहा है कि बहराइच में सोमवार रात 11 बजे भी कुछ हिंसा और तनाव की स्थिति देखी गई थी, लेकिन सुबह से देखा जाए तो बहराइच में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरे गांव में और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती साफ साफ दिखाई दे रही है। तो बहराइच में हुई हिंसा पर आप क्या राय देंगे, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ।